नया साल आ चुका है, आप लोगों को इंतजार है तो सिनेमाघरों में आई फिल्म और वेब सीरीज का। लेकिन कई लोगों की नजरें लगातार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी है कि आखिर कब साल 2023 में रिलीज हुई शानदार फिल्में ओटीटी पर दस्तक देंगी, तो ये इंतजार भी अब खत्म होने वाला है। नमस्कार, जेबीटी एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ हिमांशी पांडे। अगर आपको साल 2023 में सिनेमाघरों में आई बेहतरीन फिल्मों का ओटीटी पर आने का इंतजार है तो अब ये वेट ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, साल 2024 के पहले महीने पर ओटीटी पर कई सारी फिल्में स्ट्रीम होने वाली हैं, जिनमें कुछ ऐसी फिल्में हैं जो साल 2023 में सिनेमाघरों में आई थी और अब ओटीटी पर आ रही हैं। इनमें कंगना रनौत की तेजस, नानी की हाई नन्नी शामिल है। श्याम बहादुर से लेकर एनिमल फिल्म भी जल्द ही ओटीटी पर आ सकती है, हालांकि अभी इनकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन हम आपको कुछ ऐसी फिल्में और वेब सीरीज के बारे में बताते हैं जो कि जल्द ही ओटीटी पर दस्तक देंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन की। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बिटकॉइन सेंट्रल टेक घोटाले की कहानी को दिखाया गया है, जो कि अब तक के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी घोटाले में से एक है, जो कि 1 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। अब बात करते हैं मेक टू द ट्रेंच की। जी हाँ, ये क्रिएचर एक्शन फिल्म है जो कि 2 जनवरी साल 2024 को जियो सिनेमा में दस्तक दे चुकी है। वहीं इस लिस्ट में तीसरे नंबर की बात करते हैं तो वो है हाय नाना। ये तेलुगु ड्रामा फिल्म है जो कि 7 दिसंबर साल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। लोगों को इस फिल्म का ओटीटी पर आने का इंतजार है, जो कि 4 जनवरी को खत्म हो जाएगा। फिल्म में नानी और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। वहीं सोसाइटी ऑफ द स्नो एक स्पेनिश सर्वाइकल थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में साल 1972 में हुए विमान दुर्घटना की कहानी को दिखाया गया है, तो अगर आप इतिहास में इंटरेस्टेड हैं तो इस फिल्म को आप 4 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं फो फिल्म की, जो कि 6 अक्टूबर साल 2023 को अमेरिकी थिएटर में रिलीज हुई थी। ये एक साइंस फिक्शन साइको थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म की कहानी 265 में सेट है, जो कि एक कपल की लाइफ में आई परेशानियों को दिखाता है। इस फिल्म को आप Amazon प्राइम वीडियो में 5 जनवरी को देख सकते हैं। वहीं इस लिस्ट में अब बात करते हैं कंगना रनौत की फिल्म तेजस की, जिसे लोगों का काफ़ी टाइम से इंतज़ार है। कंगना की फिल्म 20 अक्टूबर साल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ये फिल्म वायुसेना की फाइटर पायलट तेजस गिल के जीवन पर आधारित है और इसे आप G5 में 5 जनवरी को देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म एनिमल की। ये फिल्म रणबीर कपूर के करियर की सबसे बेस्ट ओपनिंग फिल्म साबित हुई है। लोगों का इंतजार है तो इसके ओटीटी पर आने का। तो कहा जा रहा है कि 26 जनवरी साल 2024 को ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इसके साथ ही विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर भी 26 जनवरी को ही G5 पर स्ट्रीम होगी। फिलहाल आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आखिर आप कौन से फिल्म को देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, और ऐसे एंटरटेनिंग खबरों के लिए आप देखते रहिए JBT एंटरटेनमेंट।